नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्चना निरुला हूँ और मायोपचार में आपका स्वागत है। आज मैं सब महिलाओं के साथ एक बहुत ही ज़रूरी विषय में बात करना चाहूँगी और ये है पैप स्मेयर का टेस्ट। पैप स्मेयर का टेस्ट या पैप टेस्ट जो होता है, ये हर महिला के लिए बहुत ही ज़रूरी टेस्ट है, क्योंकि इस टेस्ट को हम सर्वाइकल कैंसर के बचाव के लिए करते हैं। अब ये सर्वाइकल कैंसर क्या है? सर्वाइकल कैंसर जो होता है, ये तकरीबन 21 साल से 65 साल की महिलाओं में हो सकता है और ये जो आपकी बच्चेदानी का मुंह होता है, जिसे हम सर्विक्स कहते हैं या गर्भग्रीवा कहते हैं, ये यहाँ का कैंसर होता है। और अगर एक महिला अपने जीवन में इस टेस्ट को लगातार करवाती रहेंगी तो वो इस कैंसर से बच सकती हैं। अब जो ये हमारा सर्विक्स होता है, जिसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ, या जो बच्चेदानी का मुंह होता है, उसमें कुछ सेल्स होते हैं और कई बारी किसी भी कारणवश इन सेल्स में कुछ बदलाव आते हैं और ये बदलाव आगे जाके धीरे धीरे कई बारी कैंसर का कारण भी बन सकते हैं। तो अगर एक महिला जो होती है, वो डॉक्टर की सुपरविजन में इस टेस्ट को लगातार अपने जीवन में करवाती रहेंगी, तो जो ये सेल्स का बदलाव है, ये इस टेस्ट के माध्यम से डॉक्टर जल्दी पकड़ में ले लेंगे। और जैसे ही उनको पता चलेगा कि आपके जो सर्विक्स है या जो आपके बच्चेदानी का मुंह है, उसके जो सेल्स में बदलाव आ रहा है, तो वो आपको उस समय सही ट्रीटमेंट देकर कैंसर से बचा पाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है और इसका बचाव जो है, वो पैप स्मेयर के टेस्ट के माध्यम से ही हो सकता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये पैप स्मेयर का टेस्ट जो है, वो कब कराया जाता है। ये जो पैप स्मेयर का टेस्ट है, ये हम 21 से 65 साल की महिलाओं में करवाते हैं और ये हर 3 साल में करवाया जाता है। जो पैप स्मेयर का टेस्ट है, ये 2 तरीकों से होता है। एक तो कन्वेंशनल पैप स्मेयर टेस्ट और एक लिक्विड बेस्ड पैप स्मेयर टेस्ट, जिसको हम लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी भी कहते हैं। अब ये जो टेस्ट के बारे में मैंने आपको बताया, इसके साथ अगर हम एक और स्पेशल टेस्ट करते हैं, जिसको हम कहते हैं पैप स्मेयर विद HPV। HPV क्या होता है? HPV होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ये जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होता है, ये एक सेक्स के दौरान स्प्रेड किया जाने वाला, मतलब सेक्स के दौरान फैलने वाला वायरस होता है। और मेडिकल रिसर्च हमेशा बताती है कि सर्वाइकल कैंसर का कहीं ना कहीं ये कारण HPV है। इसलिए कई बारी डॉक्टर आपको HPV की भी सलाह देते हैं। अगर आप पैप स्मेयर विद HPV करवाते हैं, तो आप इस टेस्ट को 3 साल की बजाय आप ये टेस्ट हर 5 साल भी करवा सकती हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जो पैप स्मेयर का टेस्ट किया जाता है, वो किस चीज़ से किया जाता है। पैप स्मेयर का टेस्ट करने के लिए डॉक्टर इस ब्रश का इस्तेमाल करते हैं और जब टेस्ट कर लिया जाता है, तो वो जो सैंपल होता है, वो इस तरह की एक बॉटल में डालकर लैब में भेजा जाता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि पैप स्मेयर का टेस्ट क्लिनिक में कैसे किया जाता है। इसमें हमने जिस महिला पेशेंट का पैप स्मेयर टेस्ट किया है, उनसे हमने ये टेस्ट दिखाने की परमिशन ले ली है। पैप स्मेयर टेस्ट में 10 से 15 मिनट लगते हैं और इस टेस्ट को करवाने के लिए आपको खाली पेट आने की आवश्यकता नहीं है। आप हल्का खाना खाकर क्लिनिक में आ सकती हैं। इसके बाद हम सबसे पहले पेशेंट को यूरिन पास कराते हैं और उसके बाद पेशेंट को एग्जामिनेशन टेबल पर पोजीशन बनाकर लेटा देते हैं। पैप स्मेयर की किट में ये जो ब्रश होता है, जैसे आप देख रहे हैं, ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, इसलिए ये टेस्ट करवाते समय आपको बिल्कुल भी दर्द नहीं होती है और आपको घबराना नहीं है। पैप स्मेयर के दौरान आपको नीचे पेट के हिस्से में थोड़ा भारीपन महसूस हो सकता है, पर दर्द नहीं होती है। बच्चेदानी के मुंह से सैंपल लेने के बाद ये जो ब्रश है, इसको हम स्पेसिमेन बॉटल में डालकर लैब में टेस्ट के लिए भेज देते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया कि ये जो पैप स्मेयर का टेस्ट मैंने कैसे किया है। अब जो मैंने पैप स्मेयर का टेस्ट करा है और जो मैंने आपका सैंपल उस बोतल में लिया था, उसको मैंने लैब में भेजना है। वहाँ पर पैथोलॉजिस्ट इसको चेक करेंगे और आपकी पैप स्मेयर की रिपोर्ट जो है, तकरीबन 5 दिन से 7 दिन में आ जाएगी। अब इस रिपोर्ट का जो टेस्ट होता है, वो आपको क्या बताएगा? अगर आपका ये टेस्ट नेगेटिव आता है, तो आपको टेंशन फ्री हो जाना चाहिए, आपको स्ट्रेस फ्री होना चाहिए, आप अभी सर्वाइकल कैंसर से ग्रस्त नहीं हैं।
और अगर आपकी रिपोर्ट में पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव दो तरीके से आ सकता है। हो सकता है कि जो आपके बच्चेदानी का मुंह है यानी जो सर्विक्स है उसमें कुछ इन्फ्लेमेशन है, यानी सरल भाषा में सूजन है। अगर ऐसे होता है तो डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक्स का कोर्स देंगे और ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। और दूसरा पॉजिटिव रिजल्ट होता है कि जब डॉक्टर आपके सर्विक्स में या आपके बच्चेदानी के मुंह में कुछ सेल्स में चेंजेस को देखते हैं, इसको हम डिस्प्लेसिया कहते हैं। डिस्प्लेसिया जो है वो कई कारणवश हो सकता है और डॉक्टर आपका जो टेस्ट है वो आपको 6 महीने और फिर 12 महीने यानी साल भर रिपीट करने को बोलेंगे। अगर उस रिपोर्ट में भी डॉक्टर को कोई शक दिखता है तो डॉक्टर आपको कॉल्पोस्कोपी की सलाह देंगे। अब कॉल्पोस्कोपी का टेस्ट क्या होता है? कॉल्पोस्कोपी में एक कॉल्पोस्कोप यूज़ किया जाता है जिसमें एक लेंस होता है और लाइट होती है जिसके माध्यम से डॉक्टर जो है सर्विक्स को यानी बच्चेदानी के मुंह को बहुत क्लियरली और एक्यूरेटली देख सकते हैं। और इस समय अगर उनको कुछ ऐसे सेल्स दिखेंगे जिनमें उन्हें कुछ बदलाव दिखेगा तो वो उस समय उसकी बायोप्सी करेंगे। बायोप्सी का मतलब है कि उन सेल्स का थोड़ा सा टिश्यू का या थोड़ा सा टुकड़ा वो लेकर जांच के लिए भेजेंगे और उसमें जो रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट की सलाह देंगे। और इस तरह से आपने देखा कि जो पैप स्मीयर का टेस्ट है वो कैसे किया जाता है और ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट या महत्वपूर्ण क्यों है। क्योंकि देखा गया है कि जो 80% की कैंसर की डेथ्स होती हैं, जो सर्वाइकल कैंसर की डेथ्स होती हैं, वो हम इस टेस्ट से रोक सकते हैं। इसलिए आपको ये टेस्ट करवाना बहुत ही ज़रूरी है और मैं आशा करती हूँ कि आप इस वीडियो को देखने के बाद ये टेस्ट को करवाने के बारे में ज़रूर सोचेंगे और अपने फ्रेंड्स अपने रिश्तेदारों के साथ भी इस इन्फॉर्मेशन को आप शेयर करेंगे। बट इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल मायोपचार सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारे चैनल द्वारा बनाए गए नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर इस वीडियो को देखने के समय आपके मन में कोई भी प्रश्न आ रहा है, कोई भी आपके दिमाग में शक आ रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन ज़रूर पूछिए, मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।